आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सेकंड रिचेस्ट स्टेट तमिलनाडु के बारे में। अगर बात करी जाए तमिलनाडु की जीडीपी के बारे में तो वो है 310 बिलियन डॉलर्स, जिसमें कि 54% आता है सर्विस सेक्टर से, 33% आता है इंडस्ट्री सेक्टर से और 13% आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। दोस्तों अगर मैप को ध्यान से देखा जाए तो तमिलनाडु के पास 1076 किलोमीटर का इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन पाया जाता है, जिसकी मदद से तमिलनाडु मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी ट्रेड लिंक इजीली एस्टैब्लिश कर सकता है। इसके अलावा कुछ मेजर इंडस्ट्रीज भी है जिनका तमिलनाडु की जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन है, जिसमें कि सबसे पहले आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पर स्पिनिंग से लेकर गारमेंट प्रोडक्शंस तक की सभी फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं और पूरे इंडिया की 50% स्पिनिंग मिल्स तमिलनाडु के वेस्टर्न रीजन कोयंबटूर, तिरुपुर, इरोड, नमक्कल और करूर में ही मौजूद है। सेकंड नंबर पर आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसमें कि चेन्नई में तो इंडिया का ऑलमोस्ट 30% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मौजूद है। फिर थर्ड नंबर पर आती है लेदर इंडस्ट्री। दोस्तों पूरे इंडिया का 60% लेदर टैनिंग इंडस्ट्री तमिलनाडु में ही मौजूद है और इंडिया के 38% लेदर फुटवेयर भी तमिलनाडु से ही प्रोड्यूस होते हैं। और इस सब के अलावा तमिलनाडु की जीडीपी में यहाँ की महिलाओं का भी मेजर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जहाँ इंडिया के बाकी स्टेट्स में महिलाओं का लेबर पार्टिसिपेशन 18% है, वहीं तमिलनाडु में महिलाओं का लेबर पार्टिसिपेशन 38.4% है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगली वीडियो आपको किस स्टेट के ऊपर चाहिए हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।